Here we have the question, the freezing point in Celsius of a solution containing 0.1 gram of K3FeCNC. This compound name is potassium ferric cyanide. Molecular weight 329 in 100 gram of water. कि आप 0.1 ग्राम पोटेशियम फेरिक साइनाइड का 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? हियर आपका जो पोटेशियम फेरिक साइनाइड है ये सॉल्यूट है और वाटर जो है आपका सॉल्वेंट है. प्योर वाटर का जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है और डेल्टा पीएफ equals to 0 degree Celsius minus TS of solution. Freezing TS जो है यहाँ पर आपका freezing point of solution है. That is freezing point of solution. यहाँ पे जो K3FeCN3 है solution, ये आपका ions में टूट जाता है और आपके 3K ions और FeCN6 माइनस 3 देता है. तो आपका जो बॉन्ड ऑफ फैक्टर है दैट इज 4. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस या आइडेंटिटीज जो भी होती है उनके नंबर पर डिपेंड करती है. तो यहाँ पर के 3FeCN6 का एक मोल 4 मोल के बराबर है इसलिए हमने बॉन्ड ऑफ फैक्टर 4 रखा. और आप लोग जानते हैं बात होगा कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इनटू आई इनटू एम. तो के एफ की वैल्यू आपको 1.86 गिवन है, वॉन्ड ऑफ फैक्टर 4 है और मोलालिटी 0.1 डिवाइड बाय 329 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व है तो 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे. तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 2.3 इनटू 10 की पावर -2 आएगा और इसको यहां पे रखेंगे आप डेल्टा टी एफ की वैल्यू को तो टीएस की वैल्यू जो है आपकी -2.3 इनटू 10 की पावर -2 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आएगा.